दोस्तों कंगना रनावत काफी दिनों से इस केस को लेकर छुपी साधे हुई हैं। आखिर कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या औरों की तरह ही फेम और पॉपुलैरिटी बढ़ाने का जरिया समझ रही थी, और जब सुशांत सिंह राजपूत के नाम से इन्हें भी फेम और पॉपुलैरिटी मिल रही थी, और तब तक ये सुशांत के नाम का इस्तेमाल कर रही थी, और अब सुशांत को ये भूल चुकी है पूरी तरीके से। दोस्तों क्या है पूरी सच्चाई, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सुशांत केस से जुड़ी ऐसी ही ताज़तरीन खबरें आप कभी भी भूल ना पाएं, कभी भी आप मिस ना कर पाएं। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना रनावत को बताया जा रहा था कि झांसी की रानी की तरह काम कर रही हैं। इस केस को सॉल्व कराने में वो लगातार CBI ऑफिसर्स की मदद कर रही हैं, और वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फेम का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, पर अब जो उन्होंने किया है वो अब आप सभी को सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत घर के बाहर मुंबई में स्पॉट की गई। जब उनसे पूछताछ की गई कि आखिर सुशांत केस में अब वो किस अपडेट पर नज़र गड़ाए बैठी हैं, और वो सुशांत के केस को लेकर 6 महीने से कोई अपडेट क्यों नहीं दे रही हैं, जिस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों कंगना रनावत ने कहा कि ये केस अब सॉल्व नहीं होने वाला है, आप सभी भी इस केस को भूल जाएं, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये जो बॉलीवुड माफिया है ये सुशांत को इंसाफ नहीं दिलवाने वाले हैं, बाकी भगवान पर छोड़ दें, बोलकर वो इतना चली गई। आखिर कंगना रनावत का इतना बोलने का मतलब क्या था? क्या वो हार मान चुकी हैं? क्या आप भी हार मान चुके हैं? दोस्तों आप लोगों में से जितने लोग भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मुहिम को लेकर अब हार मान चुके हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं डिसलाइक करके स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी जब तक सांसें चलती रहेंगी, जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सभी की आवाज़ इसी तरीके से बुलंद होती रहेगी। हम कंगना रनावत नहीं हैं, हम अंकिता लोखंडे नहीं हैं, हम ना ही कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, और ना ही हम कोई पॉलिटिशियन हैं। हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक सुशांत को इंसाफ ना मिल जाए। दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो कि आखिर तक हमारा साथ देने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही कमेंट में आकर हमें ज़रूर बताएगा। दोस्तों कमेंट में और #justiceforSSR का ट्विटर ट्रेंड आगे बढ़ाइए। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप सभी के सामने लेकर आती रहती हूँ, ऐसे में आप हमारी ताकत बनिए ताकि हम सुशांत की ताकत बन सके। दोस्तों चैनल हमारा बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ दूर दूर तक नहीं पहुंच पाती है, आप इस चैनल को बड़ा कीजिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ बनकर हम सभी इस पूरी दुनिया में अपनी जस्टिस की और अपने इंसाफ की मांग कर सके। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।